कोरिया जिले में अच्छी फसल, परिवार व समाज की सुख शांति के लिए चर्चा कॉलरी के श्रमवीर स्टेडियम में कर्मा पर्व मनाया गया, जिसमें देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों व कलाकारों ने बढ़ चढ़कर प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि आदि संस्कृति विकास समिति के तत्वाधान में कर्मा पर्व महोत्सव का आयोजन चर्चा कॉलरी के श्रमवीर स्टेडियम में किया गया था, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कर्मडार की पूजा कर प्रकृति के मूल तत्वों पर अपनी बात रखी। इसी दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने समाज में महिलाओं के योगदान पर अपने विचार रखे। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। इस त्यौहार को सर्वियस संभाग ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। इसे हम सन 1900 से शुरू किए हैं और आज तक इसको मनाया जा रहा है और इसमें भाई बहन प्राकृतिक पूजा बहुत सारी चीजें आती हैं और बहुत सारी चीजों का पूजा किया जाता है। प्राकृतिक हमारा आदिवासियों का तो परंपरा है, लेकिन साथ में सभी को लेकर चलते हैं और सभी को लेकर चलने के बाद इनके पूजा पाठ करते हैं। अन्न धन बढ़िया से इसके लिए पूजा किया जाता है। भाई बहन का बहुत बड़ा त्यौहार है, ये भी पूजा किया जाता है। बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है और ज्यादा क्या बोले बस। कर्मा पूजा को लेकर के बहुत सारी विशेषताएं हैं और हमारे पूर्वजों से कब से शुरू हुआ है ये पूजा, हमें ज्ञात ही नहीं है कि ये पूजा कब और कैसे शुरू हुआ है। बस हमारे पूर्वज इसको शुरुआत किए हैं, हम उसी परंपरा को बढ़ाते हुए आगे चल के जा रहे हैं। यह मानना है कि आषाढ़ खत्म होता है भादो की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को जौ बोते हैं, इसके बाद 7 दिन तक उसकी सेवा करते हैं। कर्मा का कहानी प्रारंभ होता है, कहानी प्रारंभ होता है सारी मातृशक्ति जो आई लेकर के यहाँ कर्मा के पास उपस्थित होती है। उपस्थित होने के बाद कर्म देवता पूजा होता है, आराधना होता है, उसके बाद जो है की सारे अतिथियों का स्वागत उपरांत जो है की कर्मा पूर्ण जो है मांडरने के लोग जो घूम घूम नाचते हैं भगवान के पूज करते हैं, जिससे हमारा क्षेत्र का विकास हो।